होते समय अधेड़ दंपति की धारदार हत्यार से गला रेत कर निर्मम हत्या। माता पिता को बचाने की कोशिश में मृतक की बेटी सावित्री भी घायल। दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से हुआ फरार। सबको गांव में ही रखकर ग्रामीणों ने तरया सुजान थाने की पुलिस से खराब किया प्रदर्शन। एडिशनल एसपी की अगुवाई में कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गांव में तरया सुजान थाने की पुलिस ने प्रति जबरदस्त कुर्सा। गांव में पुलिस बल मौजूद। तरया सुजान थाने की पुलिस की लापरवाही आई सामने। तरया सुजान थाना क्षेत्र के गाँव परसोनी बुजुर्ग टोला सियारा में हुई है ये निर्मम हत्या। हिंदुस्तान न्यूज 24 रिपोर्ट। डबल मर्डर हुआ है, मामला क्या था? हाँ। अभी तक पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है? देखिए, इसी गांव का एक रामाशंकर नाम का जो पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है, दो बार, एक बार हत्या करने में, एक बार हत्या के प्रयास में, उसी के द्वारा लगातार ये बुधन सनब सुब्रत थे, इनको धमकी दिया जा रहा था कुछ दिनों से, और एक बहारन है उनको भी परसों उसके द्वारा बहुत मारा पीटा गया। परसों नरसों की बात है, इन लोगों ने जाकर थाने पर परसों दरखास्त दिया और उस दरखास्त पर पुलिस के द्वारा उसको पकड़ा गया। कल वो जमानत करा के 151 के अंतर्गत जमानत करा के आया। पहले ये लगा कि चूंकि उसके उसकी आदत से कोई जमानदार नहीं होगा, कुछ लोग इसी गांव के जाके जमानतदार होके उसको जमानत दिलवा दिए। आने के बाद से फिर शाम को मुझे लगभग 7, 7:30, 8 बजे इनके द्वारा फ़ोन, मैं लखनऊ से आ रहा था तो मुझे फ़ोन करके ये बताए कि उसका जमानत हो गया है। फिर आया है तो कह रहा है कि मैं मार डालूंगा। हम उस समय कहे कि मैं सुबह में सीओ साहब के पास जाऊंगा, हम कहें ठीक है, बच्चे उसके रहिएगा और सुबह में जाके अपनी बात करिएगा, हम भी बात करेंगे। और रात में 12 बजे के आसपास आके उसके द्वारा दोनों पति पत्नी की हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे कारण क्या है? हत्या के पीछे कारण तो ये है कि पहले भी जिनकी हत्या, अपने चाचा की हत्या, राजवली की हत्या किया था बहुत कई साल पहले, उसमें ये स्वयं गवाह भी थे और वो मनबड़ता इनका हमेशा, मतलब ये था कि इनको मार देंगे। और बाकी और लोगों को भी, गांव के लोगों, कल सुना गया है कि नाम नहीं बताया लेकिन कहा कि 5 लोगों को मार के तब जाके जेल में चले जाएंगे। इसमें पुलिस की कितनी सक्रियता दिख रही है आपको? पुलिस तो उस समय 151 की कार्रवाई की, लेकिन अब मैं परसों सीओ साहब से मैंने कहा, मिल के स्वयं भी कहा कि उसका ऐसा व्यवस्था करिए कि उसकी जमानत ना हो पाए, क्योंकि धमकी भी दे रहा, दो बार हत्या के जेल जा चुका है, तो वो जमानत ना हो जाए। चाहे जिस धारा में भी 151 में भेजते हैं तो ऐसा हो कि एसडीएम से बात करके वो कम से कम 14 दिन 28 दिन के लिए उसको जेल। नहीं, क्या लग रहा है जिस तरह से जो है कि जो मृतक हैं या फिर और भी ग्रामीण हैं, इतने बड़े जो है कि आरोपी को के खिलाफ अप्लीकेशन देते हैं फिर भी 151 में छूट के चला आता है, तो पुलिस की सक्रियता में कितनी भूमिका उठ रही है? नहीं, निश्चित तौर पर पुलिस की इसमें सक्रियता जो चाहिए वो नहीं है। थाना तरिया सुजान में आज रात्रि में एक दंपत्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इसमें गांव के ही रहने वाले रमाशंकर राजभर के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभियोग पंजीकृत करा लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें ये तथ्य भी प्रकाश में आया है कि मृतक एक हत्या के मामले में गवाह थे, इसके संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जानकारी जुटाई जा रही है।